भारत के गौरव महान वैज्ञानिक आदित्य, गणितज्ञ प्रख्यात भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस की आज पुण्यतिथि है। सत्येंद्र नाथ बोस ललित कला और संगीत प्रेमी थे। वे यशराज और बांसुरी बजाया करते थे। इसके अलावा वे इसराज बजाने में भी बहुत निपुण थे। जीवन परिचय। सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म 1 फरवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम सुरेंद्र नाथ बोस था। ये ईस्ट इंडिया रेलवे में इंजीनियरिंग विभाग में कार्य करते थे। सत्येंद्र नाथ बोस 7 भाई बहनों में से सबसे बड़े थे। शिक्षा। सत्येंद्र नाथ बोस की प्रारंभिक शिक्षा एक सामान्य स्कूल में हुई थी। स्कूल की शिक्षा के बाद उन्होंने कोलकाता के एक प्रसिद्ध कॉलेज के सभी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में पास किया। सत्येंद्र नाथ बोस ने सन 1915 में MSc गणित परीक्षा में प्रथम श्रेणी में सफलता प्राप्त की थी। करियर। MSc के बाद उसी कॉलेज में सत्येंद्र नाथ 1916 से 1921 तक अध्यापक के पद पर कार्यरत रहे। इसके बाद इन्होंने ढाका विश्वविद्यालय में लेक्चरर का पद ज्वाइन किया, जिसके बाद इन्होंने गणित और भौतिकी क्षेत्र में नई नई खोज और कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जर्मनी के भौतिक शास्त्री अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत और मैक्स प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इन सभी खोजों पर सत्येंद्र नाथ बोस जी ने अध्ययन और अनुसंधान कर रहे थे। सन 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस ने प्लैंक्सा लॉ और लाइट क्वांटम के नाम से एक शोध पत्र लिखकर आइंस्टाइन को भेजा था और उसे ब्रिटिश जर्नल में छपने के लिए भेजा, जहां इसे अस्वीकृत कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने इस पत्र को सीधा महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के पास भेज दिया। शोध पत्र देखने के बाद आइंस्टाइन ने कहा कि गणित क्षेत्र में यह पत्र एक महत्वपूर्ण योगदान है। जर्मन भाषा में इसका अनुवाद कर जीट फॉर फिजिक्स नामक जर्नल में प्रकाशित करवाया। उसके बाद कई सिद्धांतों पर दोनों महान वैज्ञानिकों ने मिलकर कार्य किया। क्वांटम ने इस शोध पत्र से भौतिकी में बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी की एक नई शाखा का प्रतिपादन किया, जिसके द्वारा सभी प्रकार के बोसोन कणों के गुण धर्मों का पता लगाया जा सकता है। उपलब्धियां। भारत सरकार ने भौतिकी वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस को पद्म भूषण से सम्मानित किया। सत्येंद्र बोस के नाम पर ही एक सूक्ष्म परमाणु का नाम बोसान रखा गया और दूसरे परमाणु का नाम फर्मिऑन रखा गया। निधन। 4 फरवरी 1974 में हृदय गति रुक जाने के कारण महान भौतिकी वैज्ञानिक बोस का निधन हो गया।